बंदे पुरुषोत्तमम, प्रफुल्ल दा ने ठाकुर जी से एक प्रश्न किया कि यदि कोई किसी काम के लिए जी जान से परिश्रम करता है तो क्या उसे हम एकनिष्ठ कह सकते हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा कि हाँ, पर यह देखना होगा कि वह किसके लिए कर रहा है। अपनी इच्छा अनुसार तो मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है। इष्ट की खुशी के लिए कोई कितना निनड़ और सक्रिय रूप से लगा रह सकता है, यह देखकर समझ में आ सकता है कि किसकी निष्ठा कितनी है। त्याग के विषय में चर्चा चली। श्री ठाकुर ने कहा, त्याग अभिष्ट नहीं है, प्रत्युत अभिष्ट है ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति या इष्टानुराग के पथ पर जो बाधा उत्पन्न करता है उसका त्याग करना होगा। इष्टानुराग को मुख्य न बनाकर जो त्याग को ही मुख्य बनाता है उसके लिए त्याग एक रोग की तरह है। ऐसे त्याग में त्याग का अहंकार होता है। प्रकृत त्याग में कभी भी त्याग का अहंकार नहीं होता है। उसके यहाँ त्याग का कोई खतियान नहीं रहता है। संतान के लिए माँ बाप कितना त्याग स्वीकार करते हैं, क्या वे उसकी चर्चा करते फिरते हैं? क्योंकि वह उनकी संतान प्रीति का ही अंग है। इसीलिए त्याग उन लोगों के लिए उपभोग की सामग्री बन जाती है, उसमें कष्ट का बोध नहीं रहता है। इसीलिए जो त्यागी है वह कभी यह नहीं सोचता है कि वह त्यागी है। जब कोई उसे त्यागी कहता है तो वह सोचता है, मैंने क्या त्याग किया है? मुझे जो इतना सुख मिला और हृदय भरपूर हुआ उसकी तुलना में मैंने जो कुछ किया है वह नितांत अकिंचितकर है। बातें हो रही हैं, इसी बीच फरीदपुर के नरेश बाबू और केशोदा भट्टाचार्य ने आकर प्रणाम किया। बातचीत के सिलसिले में श्री ठाकुर ने कहा, हमारे देश में यह कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के कोई गुरु नहीं है उनके हाथ का जल भी शुद्ध नहीं होता है। यह उक्ति बहुत ही तात्पर्यपूर्ण है। चाहे कोई जितना भी बड़ा हो, यदि उसकी प्रवृत्ति ही उसके आचरण का नियामक होती है तो वह अपवित्र और अमंगल की छत्र छाया में रहता है। चाहे जो जिसमें रहे उसके माध्यम से वह संचारित या संक्रामित होता है। जो लोक मंगल का स्वप्न देखता है उसे प्रथम स्वयं मंगल का अधिकारी बनना पड़ेगा, अन्यथा मंगल की जगह वह अमंगल ही कर बैठेगा। मंगल की प्रथम सीढ़ी है मूर्त मंगलमय के साथ युक्त होकर उनकी इच्छा और योजनाओं को प्रधान समझकर चलना। कुछ रुककर नरेश बाबू की ओर लक्ष्य करते हुए उन्होंने कहा, विधानसभा में जाने पर शक्ति बढ़ानी होगी और उनके लिए जी तोड़ परिश्रम करना होगा। तमाशा करने से कोई लाभ नहीं है। सभी का मंगल नहीं होगा तो आपका भी मंगल नहीं होगा, इस बात को नहीं भूलेंगे। परिवेश का मंगल न कर स्वार्थ पर की तरह यदि सिर्फ अपना ही मंगल पसंद करें तो अपनी फुलिस बेवकूफ़ी मांग की पूर्ति करते हुए प्राण निकल जाएंगे। इसीलिए बुद्धिमान की तरह चलें। यदि आप प्रवेश करते ही हैं तो सारे विश्रृंखल को तहस नहस कर दें। सातवती जून 2022, पेज नंबर 10। जय गुरु।